तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के बाद मीटिंग में भी जाना है मुझे। सोना, जस्ट काम डाउन। माँ, 7 साल हो गए, 7 साल। लेकिन उस आदमी ने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने का। जस्ट इमेजिन माँ। मुझे लगता है कि मैं सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। चुना प्लीज माँ, प्रॉमिस कीजिए मुझे, प्रॉमिस कीजिए कि जब दादा की शादी होगी आप उनके वाइफ को स्पेस दोगे। वो हमसे जितनी भी अलग हो हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, पूरी तरह से उसे अपना लेंगे। जस्ट प्रॉमिस मी माँ। बाबा आई प्रॉमिस, जैसे तेरी दादी ने मुझे एक्सेप्ट किया है वैसे मैं अपनी बहू को अपनी दोस्त बनाऊंगी। और वैसे भी सौरभ की शादी का वक्त आ गया है, उसके लिए रिश्ता है। सौरभ भी रेडी है सेटल होने के लिए। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? देख शो, तू यंग है, ब्यूटीफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सक्सेसफुल है। तुझे भी पता है तेरे लिए हमारे पास कितने रिश्ते आते हैं और सबकी मदर्स इंटरफेयरिंग नहीं होती। गुड वन। आप लोग दोनों रात भर यही सोच रहे थे क्या कि सुबह होते ही सोना से ये बात की जाए? मुझे बस सोआप है और अपने काम पे ध्यान देना, ओके? बाकी सबके लिए मेरे पास टाइम नहीं। सोहा, चलो जल्दी चलो। मम्मा, चलो। मिस सोना बहुत रेडी है। वेरी गुड। चलो गुड बाय बोलो। बाय आशा, बाय दादू। बाय बाय। चलो। गुड डे। बिच्चा। गोलू। बिच्चा आपको चोट लगी और फिर भी काम कर रहे हो? तू फिकर मत कर, तेरे बिच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। आई नो बिच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग हो, पर स्कूल के पीपल ने डैड के ऊपर असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया मुझे। तो फिर लिखी आपने? हाँ लिख लिया। सुनाओ क्या? सुनाओ। माय डैड इज सो लेजी, हमेशा अपने रूम में पड़े रहते हैं, ऑलवेज एंग्री। मुझे टॉक करने के नाम से ही बोल रहे थे, डोंट एंग्री मी, ही नेवर प्ले विद मी, नो फन। और माय बिच्चा इज बेस्ट, आई लव इट सो मच। ये ना तो अपने बाप को जाके सुना। अगर उन्हें बताऊंगा तो वो भी वाह वाह करेंगे कि वो मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है। अच्छा तूने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मुझे मेरी बात चिंता है। तुझे क्या चिंता है? कौन सी टेंशन? वही टेंशन जो वर्ल्ड के साथ जेंटलमैन को होती है। लड़कियाँ। लड़कियाँ? नॉट लड़की, यस टेंशन। सुहाना बोस। अगर खुद को सुहाना नहीं, मैं सुहाना बहुत बुलवाती है, मुझे हर टाइम परेशान करती है। जूनियर, तेरे लिए एक फ्री की एडवाइस है, लड़कियों से ना दूर ही रह। सिर्फ और सिर्फ टेंशन देती हैं लड़कियां, खासकर ये बोस सरनेम वाली लड़कियां, ये तो सबसे खतरनाक होती हैं, ओके? चलो मैं तुझे स्कूल छोड़ के आता हूँ, आ जा। ये ले। चाब। चाब।
क्या कर रही है? तुम क्या यहाँ पे स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के तरीकों पे लेसन्स देने आई हो? None of your business. यार तुम एक बिजनेस वुमन क्या बन गई? तुम हर चीज में बिजनेस को ले आती हो. बताओ क्या कर रही हो यहाँ पर? पहले तुम बता कि तुमने न्यूज़पेपर में ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया? कितनी गलत फहमी है ना तुम्हें अपने बारे में. तुम्हें ऐसा क्यों लगता कि सब तुम्हारी तरह बनना चाहते? And especially me. God dear, तुम्हारे जैसा तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती. अच्छा फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गई? क्यों आई हो स्कूल? क्या हुआ? कोई स्मार्ट लाइन याद नहीं आ रही है? बोलो, तुम तो फैसला लेने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती. तो अब क्या हुआ? You're so obsessed with me, मेरी बात मुझे सुना रहे हो? तुम्हारी बात तुम्हें नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ अपना फैसला सुना रहा हूँ. पिछले इतने दिनों में मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करके एक फैसला लिया कि तुम ठीक नहीं हो. What? हाँ मिस बोस, तुम सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही हो. You're not okay. क्योंकि जिसने भी मुझसे प्यार किया है तो मुझे भूल नहीं पाया. प्रूफ है मेरे पास, देखो सारों मैसेजेस हैं लड़कियों के, सब यही कहती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती. तुम भी उन्हीं में से एक हो, बस ठीक होने का नाटक कर रही हो. तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हो. मेरा साथ नहीं मिला तो मेरी जैसे बन के मेरे साथ होने का एहसास अपने पास रखना चाहती हो. स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है. আমি তোমাকে ভালোবাসি. যতীন, आमिर तुम्हारे थप्पड़ मारूंगी. इतना टाइम कौन लगाता है? यार सीधा एयरपोर्ट से आ रहा हूँ. तो इतना टाइम लगता है एयरपोर्ट से आने के लिए? मार क्यों रही है? अब तो आ गए हो ना. सुना, नॉट बैड यार. मेरे साथ रह के तुझमें भी क्लास आ गया. तू नहीं था ना इसलिए क्लास. चलो ऑफिस दिखाती हूँ. ये है मेरा डेस्क. नाइस. और ये हमारा स्पेस. कैसा लगा? हमने बहुत मिनिमल फर्नीचर रखा था कि जो भी रिक्वायर्ड हो ना बस वही. इट्स ब्रिलियंट. सीरियसली बोलो तो तेरा ऑफिस बिल्कुल तेरी तरह है. जितना ब्राइट है उतना एफिशिएंट भी है. बाय द वे, ये नए ऑफिस के साथ नया हेयर कट फ्री मिला क्या? जी शराब. ओके, ये हेयर कट तो मैंने कोलकाता में करवाया था.
जब तुम लोग यूरोप चले गए उसके बाद। अच्छा, सरप्राइज फॉर मी। एक्चुअली सूट्स यू। आई नो। अच्छा। इतने मैजिक हो। फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खेलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी की। So, आज डिनर बाहर करें? डिनर बाहर करेंगे लेकिन आज, क्योंकि आज माँ ने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया। Guess what? काकी का फेमस डोमास। Wow, so डिनर तो फिर घर पे करेंगे? Of course. मैं एयरपोर्ट से सीधा तेरे पास आ गया हूँ। तो एक काम करते हैं, तू अपना काम खत्म कर ले, मैं होटल जाके चेक इन कर लेता हूँ और एक घंटे बाद घर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम होटल बिल्कुल नहीं जाओगे। क्यों? सुना, आई नो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इतना लगेज मैं कैरी नहीं कर सकता हूँ। और कैरी करना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि तुम हमारे साथ रह रहे हो। यस, नहीं, नो, यू आर स्टेइंग विद अस, ओके? प्लीज 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 सुना, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर तुमने मना किया ना, तो मैं नहीं, पूरी बोस फैमिली तुम्हारे साथ गुस्सा है। और तुम तो जानते ही हो, तुम एक मेंबर से बहुत डरते हो। ब्लैकमेलर कहीं की? अच्छा, उसे पता है मैं वापस आ गया हूँ? और दोनों फिर साथ में घर चलते हैं। So, how's the plan? Perfect. Just perfect. I know. दो कॉफी भेज देना। जतिन, थैंक यू सो मच, तुम्हारे बिना मैं ये बिजनेस सेटअप नहीं कर पाती। तुमने सिर्फ मुझ में नहीं, मेरे आइडिया में बिलीव किया, उसमें इन्वेस्ट किया, और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यू आर रॉक एंड शट अप। काम खत्म करेगी मैम, मिस्टर वीजी इज हियर। Hello, Dr. Bose. Sona, I'll wait outside. Okay. Excuse me. Please, sir. Good morning, sir. Sir, आपसे कुछ अगर तुम इंक्रीमेंट मांगने आए तो मेल भी कर सकते। नहीं सर, इंक्रीमेंट मांगने नहीं आए। दरअसल हमने सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि आपने जल्दी से रिकवर किया। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखना चाहते थे। सर, आज ऑफिस आवर्स के बाद एक पार्टी करें, अगर आपकी परमिशन हो तो। आई मीन, आप आएंगे ना सर? मेरे लिए पार्टी रखोगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? लेकिन पार्टी करने के लिए शाम तक वेट क्यों करना? दादी, अभी तो कोट निकाल देना चाहिए था आपको। हाँ हाँ, निकाल दूंगी, पहले इस क्लाइमेट से एडजस्ट तो होने देना। बेटा, जतिन कहाँ है? वो कह रहा था कि सीधा ऑफिस जाने वाला है सुना से मिलने। सुना का काम खत्म होगा, दोनों साथ में आ जाएंगे। वेरी गुड। जतिन सुना का जितना अच्छा दोस्त है, उतना अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है। मेरे ख्याल से मेरी बेटी के लिए यही सबसे परफेक्ट रहेगा। अरे हाँ विजय, मेरा भी मन यही कहता है। अब देखते हैं इन दोनों की दोस्ती कितनी आगे बढ़ती है। मैं ना सुना पर अपना फैसला थोपना नहीं चाहती। अगर जतिन सोना को पसंद करता, सोना भी जतिन को पसंद करती है, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। अरे भाई, इस घर के लिए और हमारी सोना के लिए वो परफेक्ट बॉय है। वाह, आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि वो बंगाली? यस यस। एंजॉय गाइस। एक्सक्यूज मी, Um,
अच्छा मैं कह रही थी कि आप ये सब खा सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि आप क्या नहीं खा सकते। वो मैं क्या आई थिंक हम इस मीटिंग को फिर कभी कर लेते हैं। आई एम रियली सॉरी। नो नो इट्स ओके। आई मीन इतने शोर में ये मीटिंग पॉसिबल तो है नहीं। फिर कभी। ओके चल तो। आई एम रियली सॉरी। ओके वेलकम। आपको शायद पता नहीं है लेकिन ये सब आप ही की वजह से हो रहा है। पहले तो आपने मुझे बचाया, उसके बाद आपके वर्क कल्चर को देख के मेरी टीम ने कुछ सीखा और मेरी फास्ट रिकवरी के लिए पार्टी रखी। तो प्लीज ज्वाइन अस। मिस बॉस, मैंने तो आपको हमें ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन लगता है आप गुस्से में हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? कितनी बार तुमसे कहा कि मेरी लाइफ से, मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी लाइफ से 7 साल पहले ही चली गई थी। इस गलतफहमी में रहना बंद करो। और सुबह क्या लेक्चर दे रहे थे तुम मुझे कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाई? तुम्हारा हाल देखकर कुछ और ही समझ में आता है। तुम्हें जो समझना है समझो, एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह सीक्रेट्स तो नहीं रखता ना। जो हूं सामने कहता हूं। सीक्रेट्स? हाँ, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था। तुम्हें छुपा के रखना है तो रखो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हें ना कुछ और दिन के लिए आराम कर लेना चाहिए। वो सिर्फ एक स्टोरी थी, ओके? अपना दिमाग चलाकर मुझे हैरेस करने की कोशिश मत करना। इतनी हैरेस हो रही हो तो यहाँ पे रुकी क्यों? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? तुम? सोना? सोना चल, मुझे इससे बात करनी है। सोना, लुक एट मी, जस्ट काम डाउन। चल For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.